दोस्तों, बजट 2019 हम सब के सामने आ चुका है। इसके इम्पोर्टेंट प्रोविजंस भी अब तक आपके व्हाट्सएप पर आ चुके होंगे, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा जो बजट से रिलेटेड, इनकम टैक्स से रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके ऊपर एक डिस्कशन आपके साथ में करने जा रहा हूँ। तो पहला डिस्कशन सर जो हमारे सामने है वो है कि क्या बेसिक एग्जम्पशन लिमिट बढ़ा करके 5 लाख रुपए कर दी इनकम टैक्स के पर्पजेज से या नहीं। तो इसका बड़ा स्पष्ट उत्तर है सर कि सरकार ने बेसिक एग्जम्पशन लिमिट इंडिविजुअल्स के केसेस में, एचयूएफ के केसेस में बढ़ा करके कतई 5 लाख रुपए नहीं करी। इट डज नॉट मीन कि इट इज अ नेगेटिव अमेंडमेंट। आई एम जस्ट सिंपली ट्राइंग टू से कि सरकार ने बेसिक एग्जम्पशन लिमिट को बिल्कुल नहीं छेड़ा, वो 2.5 लाख रुपए ही रही है। केवल जो 87A में रिबेट हमारे को मिल रही थी वो रिबेट के अमाउंट को अब सरकार ने बढ़ा करके 2,500 रुपए से 12,500 कर दिया है। इसका मतलब समझने का कोशिश करिएगा सर कि अब तक मान लीजिए पिछले साल यानी वित्त वर्ष 18-19 में यदि मेरी आय 4.5 लाख रुपए थी, कुल आय की बात मैं कर रहा हूं सर, टोटल इनकम आफ्टर क्लेमिंग ऑल डिडक्शन, तो मुझे 4.5 लाख रुपए की आय में 2.5 लाख रुपए की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट और बाकी के 2 लाख पर 5% की दर से टैक्स लायबिलिटी देनी पड़ती थी, यानी 10,000। अब सरकार ये कह रही है कि अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख रुपए तक है, अगेन टोटल इनकम सर यानी सारे डिडक्शन क्लेम करने के बाद में, तो हम आपको 12,500 रुपए की रिबेट अंडर सेक्शन 87A दे देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं पिछले साल 4.5 लाख रुपए कमाया था वित्त वर्ष 18-19 में और मुझे उस पर्टिकुलर 2 लाख रुपए की एक्स्ट्रा अमाउंट पर, 2.5 लाख से ऊपर वाले के ऊपर यदि 5% की रेट से 10,000 टैक्स देना था, तो इस साल मुझे कोई टैक्स लायबिलिटी वित्त वर्ष 19-20 में 4.5 लाख रुपए की टोटल इनकम पर नहीं आएगी। और यह जो बात मैं आपके सामने रख रहा हूं ये 5 लाख रुपए की टोटल इनकम के लेवल तक लगेगी। तो जैसा कि वित्त मंत्री जी ने कहा कि 6.5 लाख रुपए तक भी आपको टैक्स नहीं लगेगा, तो उनके कहने का तात्पर्य यह था कि मान लीजिए एक सैलरीड पेड एम्प्लॉय या एक बिजनेसमैन जिसकी 6.5 लाख रुपए की ग्रॉस टोटल इनकम है, 1.5 लाख रुपए वो बचा लेता है उसमें से ATC के तात्पर्य में, तो सर नेट उसकी टोटल इनकम 5 लाख है, उसको टैक्स लायबिलिटी नहीं लगेगी। तो 6.5 कोई हाई कैप नहीं है सर। आप हो सकता है 6.5 को फर्दर NPS की वजह से 7 लाख कर लें, हो सकता है आप सेक्शन 80E क्लेम कर रहे हो, इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन, हो सकता है आप 80G के कॉन्ट्रीब्यूशन भी करके बैठे हो। तो कहने का तात्पर्य है, सिंपल सी बात, यदि आपकी टोटल इनकम 5 लाख रुपए रह करके आती है वित्त वर्ष 2019-20 में, तो आपको कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं देनी। लेकिन मजे की बात क्या है सर कि जिनकी टोटल इनकम 5 लाख रुपए से ऊपर निकलेगी उनकी स्लैब रेट सर 2.5 लाख रुपए प्लस पर ही शुरू हो जाएगी। यानी एक व्यक्ति जिसकी 5 लाख रुपए की टोटल इनकम है उसको टैक्स लायबिलिटी देनी है 0। दूसरी ओर एक व्यक्ति जिसकी टोटल इनकम 5.5 लाख रुपए है सर उसको टैक्स लायबिलिटी, अब आप सुनिएगा कितनी देनी पड़ेगी। यदि आपकी टोटल इनकम मान लीजिए वित्त वर्ष 19-20 यानी असेसमेंट ईयर 20-21 में लेट्स अज्यूम निकल करके आई 5.5 लाख रुपए, तो सर 2.5 लाख से 5 लाख के बीच आपको टैक्स लायबिलिटी देनी है 12,500 और 5 लाख से ऊपर के 50,000 पर आपको टैक्स लायबिलिटी देनी है @20% 10,000, यानी आपको टैक्स कितना देना पड़ेगा 22,500। तो जिसकी 5 लाख की टोटल इनकम वो देगा सर नील, और जिसकी 5 लाख से ऊपर उसको देना पड़ेगा सर यहां पर 22,500। फर्दर जो मैं बात कह रहा हूं सर, यदि आपकी टैक्स लायबिलिटी निकल आई तो आपको इस टैक्स लायबिलिटी को एजुकेशन से SHEC जिसकी दर पिछले साल के समान 4% रखी गई है वो भी एक्स्ट्रा भुगतना पड़ेगा, और सरचार्ज की रेटों में भी सर कोई बदलाव नहीं है। तो मैं फिर भी सर यही कहूंगा कि इट इज अ वेलकम स्टेप दैट द गवर्नमेंट हैज कम अप विद दिस काइंड ऑफ सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट, बिकॉज अभी तक के जो सर हमने बजट देखे हैं उनमें सरकार जनरली लास्ट बजट में इस तरीके का कोई टैक्स बेनिफिट नहीं देती, लेकिन ये टैक्स बेनिफिट अगर आया है और निश्चित रूप से ये लोअर मीडियम लेवल पर, मीडियम क्लास लेवल पर बेनिफिट देने वाला है, तो हमारे को इस तरीके के अमेंडमेंट का वेलकम करना चाहिए। और जो लोग 5 लाख रुपए से ऊपर की टोटल इनकम पर हैं सर उनको टैक्स रिलीफ के नाम पर इस साल निराशा हाथ लगी है, परंतु जैसा है वो आपके सामने मैंने रखने की कोशिश करी। मैं अपनी 2-3 और वीडियो इसी तरीके से आपके सामने अमेंडमेंट से रिलेटेड विषयों पर और लेकर के शीघ्र ही हाजिर होऊंगा। थैंक यू वेरी मच।